ओम शांति। तो आज हम एक शब्द पे जो दिया गया है रहमदिल, इसमें ही हम 500 रुपयों में घूमेंगे। ये जो शब्द है रहमदिल, सबसे पहले हम यहाँ ब्राह्मण रूप में ही बैठते हैं। ये रहम हमने करना किस पे है, और रहम करने के लिए हमें और कोई नहीं चाहिए, सबसे पहले हमें खुद पे रहम करना है। क्योंकि कोई भी अग्नि, चाहे क्रोध की हो या कोई भी अग्नि हो अहंकार की हो, उसमें पहले खुद की आत्मा हर्ट होती है, और हमें पहले खुद पे रहम करना है। जब हम खुद पर रहम करना सीख जाएंगे, वही वाइब्रेशन हमारे सब तरफ फैलेंगे। तो आज सबसे पहले ब्राह्मण स्वरूप में हम अपनी आत्मा को थोड़ा सा सामने रखते आवाज हैं। आवाज लो है, थोड़ा सा आवाज रेस कीजिए। अपने आत्मा को सामने देखें, एकदम आंखों के सामने, और उसी पर रहम करना। हे आत्मा, मुझे अभी आपका पता चला है, आपके अंदर कितने जख्म हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं, और रहम दिल होकर अपनी आत्मा का उपचार करें। और उपचार होने के बाद आत्मा हल्की ऊपर उड़ी और फरिश्ता स्वरूप बाबा का शांति स्तंभ भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, मधुवन का शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, उसमें मेरा बाबा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फरिश्ता स्वरूप मुझे ले जा रहे हैं ऊपर सूक्ष्म ऊपर। मैं सब दादियों को भी मर्ज कर सकते हैं, कितने रहम दिल हमारी दादियां, एक एक का चेहरा कितना शांत, कितना गंभीर, कितना रमणीक, सबके दर्शन करें। सब फरिश्ता हो अपने नन्ही नन्ही दादियों वहां बैठी हूँ, और मैं उनके सामने, कितना सौभाग्य है मेरा कि मुझे पहचान है उनकी, उन देवियों की पहचान है मुझे, उस परिवार की पहचान है मुझे। खुद पर रहम कर कर मैंने ये कमाई की है कि मैं आज उनके सामने बैठ सकती हूँ। खूब आनंद लें उस स्थिति का, और वहां से सबसे छुट्टी लें। मैं अब जाती हूँ परम धाम, रहम का सागर मेरे सामने, मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, इसलिए चक्रवर्ती राजा तो आप ही हो। चक्रवर्ती राजा की प्रथम पहचान है रहमदिल। बाबा से खूब आशीर्वाद लेकर, प्यार लेकर, दिव्य बुद्धि लेकर,
गुणों का भंडार ही है मेरा बाबा, उनसे सारे गुण लेकर मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता मेरे बाबा ने मुझे अब जीवन मुक्ति में भेजा है। और यहाँ सब देवता हैं ऑटोमेटिकली उसी स्थिति में हैं, रहम नहीं करना है वहां, वह ऑटोमेटिकली उसी स्थिति में हैं क्योंकि सबने अर्जित किया है, क्योंकि वहां कोई भी विकर्म नहीं है, कर्म की स्थिति है। उस देवलोक में मैं अपने मेरे संग सारा परिवार, पांचों तत्व, धरती की शोभा, सब जानवर, पक्षी, जलचर, सब अपना सुंदर स्वरूप में हूँ। मैं भी खुश, वो भी खुश, सब भूमि उधर, छोटे छोटे पहाड़, वो कल कल करती नदियां, खुशबूदार फूल, सबके दर्शन कर जहां जाना है उस स्थान को देखें, एंजॉय करें। इस स्थिति में 20 जन्म लेती मैं आत्मा, धीरे धीरे अपने दैवी स्वरूप में रहम की मूर्ति, नैनों में रहम की भावना, मुस्कुराहट में रहम, आशीर्वाद का फूल उसमें भी रहम, सबको खुशियां देती मैं आत्मा, एक देवी में विराजमान हूँ और मेरे ही भगत अपने मन की व्यथा मुझे सुना रहे हैं और मैं उनको रहम की दृष्टि देती हूँ, प्रेम की दृष्टि देती हूँ और वे बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने हर कार्य में सफल होते हैं। जो इच्छा वो लेकर मेरे सामने खड़े हैं वो इच्छा पूर्ण होती है और मैं रहम की देवी बहुत प्रेम से, बहुत भावना से उनकी तरफ देखते हैं और वो भी अपना सब कुछ मुझ पर निछावर करने को तैयार है। धीरे धीरे मैं आत्मा फिर से ब्राह्मण स्वरूप में आ गई जहाँ मेरे बाबा ने मुझे रहम दिल बनने का वरदान दिया है। और ये वरदान को मैं अपने अगले 83 जन्म में यूज करूंगी। ओम शांति। सेवेंटी 9 की मुरली है, मेडिटेशन हॉल में चलेंगे सभी।
अपने आत्मिक स्वरूप में वहां बैठ के हम बाबा से मुरली सुनेंगे, बहुत प्रेम से। हाँ मिस्टर, आपका वॉइस बहुत स्लो था, अभी भी अगर आप थोड़ा अच्छा, सा मैं ना आवाज रेस एक करें। एक और हाँ, पहन लेती हूँ। वो मेडिटेशन बिल्कुल भी किसी को सुनाई नहीं दिया, चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आए। ठीक है, अभी भी आप अपना वॉइस रेस करके मुरली रीड करें। ओके हाँ जी, अभी मैं अभी ठीक है, मैंने एयरपोर्ट पहना है, अभी ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, ठीक है, अभी ठीक है। सभी अपने आप ही रहमदिल हो गए होंगे। ओके, अभी आप स्टार्ट कर सकते। रहमदिल एक ऐसा पॉइंट है जिस पे सारा दिन भी आप योग कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, हर हर ग्रुप में कर सकते हैं, पांचों स्वरूपों में कर सकते हैं, प्रकृति के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले खुद पे करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें जो भी करना है पहले खुद पे करना है। ठीक है, अगर मेरे पास भरपूर होगा तभी तो मैं दूंगी ना, अगर मैं इधर उधर मांगती फिर रही हूँ तो कैसे दूंगी। तो इसके पहले मेरा भरपूर होना बहुत जरूरी है। तो आज की मुरली सुनते हैं हम, तो आई एम सॉरी किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन बस उसका मेन यही था कि खुद पे रहम करो। इट्स ओके तो दीदी, आप सत्रह स्टार्ट बारह कर सकते। 1779 की मुरली सुनते हैं हम, होली हंस और अमृत बेला रूपी मानसरोवर। अमृत बेला में होली हंस बनकर मानसरोवर में रहना है। मानसरोवर बोलो या मन का सरोवर बोलो या बाबा के मन का सरोवर बोलो, है ना, कहीं का भी मन, किसी का भी मन, लेकिन पवित्र मन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ही है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मालिक बनो स्वयं, दीदी आप सेकेंड पार्ट है। जो ठीक हाँ ठीक है ठीक है, समझ सेक गए समझ गए, नेक्स्ट पेज पे जो हम। ठीक शेयर कर हाँ, रहे हैं ना उसके ऊपर ठीक है आप ठीक है ठीक है, देख कंसंट्रेट। लिया देख लिया, मैं देख लिया। अच्छा, पार्ट टू पढ़ रहे हैं और आज हम। आवाज भी आपका हाँ बहुत लो जा रहा है बीच में, आपको इन्फॉर्म करेंगे, नहीं तो कोई और अच्छे आवाज में अगर रीड करना चाहते हैं तो उनको मुरली दी जाएगी। ओके, तो ठीक, आपका आवाज ठीक रहेगी, कम ज्यादा हो रहा मालिक है। बनो, मालिक बनो और अधिकार लो, मालिक बनो और अधिकार लो। अधिकार लेने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? मालिक बनना पड़ेगा। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, मेहनत की चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। बाबा को हम बच्चों की मेहनत पसंद नहीं, इसलिए बाबा ने कौन सी चाबी दी है? संकल्प की, कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर के बैठ जाओ। किसके साथ में? अपने बाबा के पास में, है ना, उनके साथ में। जैसे असाकार मुरली में बोला ना बाबा ने कि मैं ब्रह्मा बाबा के पास में आके बैठता हूँ, तो ऐसे उस सीन को इमर्ज करते हुए खुद माया की बाजी को पार कर कर बाबा के साथ में जाकर बैठ जाओ। बस इतनी सी बात तो है। यह माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं, आ जाओ और बैठ जाओ। देखो कितना सिंपल है, लेकिन हम बच्चे उसको कैसे डिफिकल्ट बना देते हैं ना, क्योंकि हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है। संकल्प और बुद्धि अर्थात मन और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। यह करना नहीं आता है क्या? बाबा पूछ रहे, इतनी सी बात है ना, यह करना नहीं आता है क्या? बाप की दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी कभी फिर मेरी, कहते हो इस तेरी मेरी के चक्कर में आ जाते हो।
अमृत वेला हुआ, आंख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के पास, बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव होंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार का तख्त, अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफिर कर रहे हैं। देखो अभी बाबा क्या बन गया, हमारा दोस्त बन गया, खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो नीलू और सिस्टर तख्त थोड़ा पर स्लो बैठ। पढ़ेंगे, नीलू सिस्टर थोड़ा स्लो पढ़ेंगे जी। ठीक है जी। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। कौन सा तख्त? वो बाप का दिल तख्त है ना, वो उसी पर ही बैठना है हमको। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से भी जो चाहो वह बना सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं? अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो। कितना बाबा कितना इजी करके बता रहे हैं। देखो कि गोल्डन एज की स्थिति कैसे बननी है, एकदम सहज। और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। फिर सहज को छोड़ मुश्किल में क्यों जाते हो? तो अब जवाब दें हम सब बाबा को कि क्यों चले जाते हैं मुश्किल में। आज बाबा ने साकार मुरली में बोला ना, इसलिए क्योंकि बुद्धि भटकती है। अब सहज पुरुषार्थी पुरुषार्थ बनेंगे या मुश्किल? सहज बनेंगे बाबा। जब बाप सहज मिला तो मार्ग मुश्किल कैसे होगा? सहज पुरुषार्थ बनो, मुश्किल का नाम निशान खत्म करो, तो दुनिया की मुश्किलातों को खत्म कर सकेंगे। जो सहज सहज चलेगा ना, उसका रास्ता भी सहज होगा। अदरवाइज सब कुछ डिफिकल्ट होगा। सब कामों, सब बातों में हम किंतु परंतु क्या क्यों कैसे यही करते रहेंगे, है ना। एक दूसरे को टोकते ही रहेंगे, उनको बोलते ही रहेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि हम सहज नहीं है ना। अगर हम सहज हैं तो सामने वाला हमें सहज ही दिखेगा। अगर हम डिफिकल्ट हैं तो सामने वाला डिफिकल्ट अपने आप हमें नजर आएगा, चाहे वो हो या ना हो। तो खुद का जैसी नजर होगी ना, जैसा नजरिया होगा वैसा ही नजर आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि सहज होता क्या है। मुश्किल का नाम निशान खत्म करो, तो दुनिया की मुश्किलातों को खत्म कर सकेंगे। हर चीज को मुश्किल हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे, वो कैसे, ये नहीं करना है ना। ऐसे सदा अब बाबा हमें वो दे रहे हैं याद प्यार। तो हम बहुत प्यार से बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा अधिकारी। कौन से अधिकारी? बिना मेहनत के जो ना मालिक बन के। ऐसे सदा अधिकारी तख्त नशीन, माया की बाजी से अपने को सदा पास रखने वाले, सदा बाप के राजों को जानने वाले। मेहनत शब्द को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले, दिल शिकस्त के बदले दिल खुश रहने वाले, अपने दिल खुश से जहान को खुश करने वाले। ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम लास्ट में बाबा को याद प्यार देंगे। सबसे पहले अब पहले हम मुरली को पूरी करते हैं। पार्टियों से मिल रहे हैं बाबा,
तो पहला पॉइंट है मनसा सेवा का सहज साधन अटूट निश्चय। जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। निश्चय, सबसे पहले खुद पे निश्चय, सबसे पहले खुद को टारगेट करना है। ये हमारे ज्ञान का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी आत्माएं, मेरे इंक्लूडिंग मी, इसी वजह से ज्ञान में है कि बाबा ने पहले हमें सुधारना चाहा है और हमें ये शिक्षा दी है कि खुद खुद करो, दूसरों पर पॉइंट आउट नहीं करो, खुद करो पहले, है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस ज्ञान का। तभी हम, जब खुद पे निश्चय है तो जहान पे निश्चय है, जब खुद पे ही निश्चय नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। क्योंकि किंतु परंतु समाप्त हुआ ना, निश्चय हुआ, तो वह मनसा सेवा करते हैं क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है ना। निश्चय है ना, हम इसलिए हम खुश हैं, हम क्या है, कंटेंटेड हैं, हम अपने आप में भरपूर हैं, क्योंकि हमें निश्चय है कि हमारे पास क्या है ना। हमें दूसरों से कुछ नहीं चाहिए, हमें, हम ही भरपूर हैं। तो इसलिए उनको, दूसरों को दिखता है कि इनको क्या मिला है। चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान को ना भी सुनते हो, लेकिन अंदर में यह समझते जरूर हैं कि इनका जीवन कुछ बना है ना। अंदर में सबका अनुभव होगा ये, चाहे वो अकेले ही चल रहे हैं ज्ञान में, पूरे परिवार में, लेकिन फिर भी सबका अनुभव होगा ये कि ऐसा समझ आता है लोगों को कि क्या है आपके पास, क्यों आप इतने शांत हैं, है ना। तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी यह सेवा चलती रहती है, यह भी मनसा सेवा है। तो मनसा सेवा के छोटे छोटे पॉइंट्स जो बाबा मुरलियों में बताते हैं ना, हम उन्हें इकट्ठे करें डायरी में कि क्या क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हमें खुद पे निश्चय है तो मनसा सेवा बहुत सहज है ना। दूसरा पॉइंट है माया से सेफ रहने के साधन। अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग रहे। अटेंशन रूपी चौकीदार, अटेंशन है ना, चौकीदार क्या बोलते हैं, जागते रहो या अटेंशन, सुजाग रहे। सभी सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चलते हो। स्वदर्शन, देखो इसको भी बहुत ध्यान से देखना है, सिर्फ वो 5 स्वरूप ही स्वदर्शन नहीं है, स्वदर्शन हर पॉइंट पे स्वदर्शन है। अगर हम सहज याद एक वर्ड ले लेते हैं तो उसमें भी स्वदर्शन है, कि वो स्वदर्शन हम कैसे करें। ब्राह्मण स्वरूप में सहज याद क्या हो, फरिश्ता स्वरूप में सहज याद क्या हो, फिर हम जब अनादि स्वरूप में सहज याद क्या हो, या उसके बाद जब हम नीचे आए स्वर्ग में तब सहज याद क्या हो, या हम अपने पूज्य स्वरूप में आए तो सहज याद क्या हो। कभी कभी बताते हैं ना, देवियां भी याद करती हैं कि मेरा फलाना भगत आया नहीं आज फूल चढ़ाने, तो वो भी तो एक याद है ना। तो स्वदर्शन चक्र वो भी है, स्वदर्शन चक्र बनकर चलते हो, सदा अपना स्व स्वरूप कि मैं कौन, स्वदर्शन मेरा दर्शन, मैं कैसी हूँ, है ना। चक्रधारी का याद रहता है कि कैसे मुझे चक्र चलाना है, उल्टा तो नहीं चल रहा, सीधा ही चल रहा है ना, बहुत अवेयर होके बैठ के, क्योंकि भोजन तो बैठ के ही करते हैं ना, चलते फिरते तो स्नैक्स ही खाते हैं, उनसे पेट तो नहीं भरता, तो भोजन खाना है तो बैठ के ही खाना पड़ेगा टेबल पर। तो इसलिए याद जब बाबा को करना है तो चलते फिरते की याद तो है, स्नैकिंग तो कर ली हमने, लेकिन जब पेट भरना है हमें तो बैठ के ही खाना है। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वह अनेक प्रकार के माया के चक्र से सदा मुक्त रहते हैं। ध्यान ही नहीं जाता ना हमें किसी की ओर, स्वदर्शन कर रहे हैं ना हमें, हमें कोई क्या कर रहा है, व्हाट इज दैट टू मी, मुझे क्या करना है ना। तो स्वदर्शन चलाओ।
एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। बाबा कहते हैं ना, माया का गला काटने वाला, तो माया को भगाने वाला है। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया ठहर नहीं सकती। बिजी है ना, बिजी है इसलिए वो चली जाएगी कि ये तो बिजी है, मेरे को नहीं देख रहे, तो वो ठहरती नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हो। संपन्न बन गए ना हम अपने स्वरूपों में, हम ही खुश हैं, अपने आप में ही खुश हैं, है ना। हमें और कोई चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हम संपन्न हैं। तो अगर हम संपन्न हैं तो हम अचल हैं, है ना। ऐसे सदा संपन्न अर्थात माला माल रहने वाले हो क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं इतनी सारी क्वालिटीज बता के कि ऐसे हो क्या। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा खबरदार हैं, सुजाग हैं, जागती ज्योति हैं, तो माया कुछ कर नहीं पाती। अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हो तो सदा सेफ रहेंगे। अटेंशन मतलब टेंशन ना हो, अटेंशन दो तो सेफ रहो, तो सदा जागती ज्योत बने। इसलिए यादगार मंदिरों में भी अखंड ज्योति जगाते हैं। तो सदा जागती ज्योत बनो, इसलिए यादगार मंदिरों में भी अखंड ज्योति जगाते हैं, बुझने नहीं देते। सॉरी, हाँ, बुझने नहीं देते। अखंड ज्योति जगाने का फैशन पड़ा कहाँ से? बाबा पूछ रहे हैं कहाँ से पड़ा, बताओ। संगम पर। तुम सब चेतना में जागती ज्योत बने हो, तभी यह आजकल चला आता है। संगम पर बने ना, हम हमेशा जब खुद को देखते हैं, अभी देखो जैसे बहुत शैतान बच्चा होता है ना, शैतानी कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बस उसको आप स्टेयर करो, थोड़ी देर उसको बैठ के देखो, थोड़ी देर, वो एक दो बार आपकी तरफ देखेगा, उसके बाद खुद ही शांत हो जाएगा, क्योंकि आप उसको देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, उसको देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, तो आपका जो करंट है उसको मिलेगा, तो वो खुद शांत हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो उस रूम से ही चला जाता है, ऐसा कभी करके देखना, है ना। अगर खंडन हो जाती है तो बुरा मानते हैं, मतलब तो ज्योति है ना मंदिरों में जो जलती है, तो चैतन्य में आप सब क्या हैं? अखंड ज्योति। खंडित चीज कभी भी पूज्य हो नहीं सकती। तो अभी हमें कम से कम 24 घंटे ये मुरली सुनने के बाद अगली मुरली सुनने तक अपनी ज्योत को खंडित नहीं होने देना है, ठीक है। अब इस मुरली का सार पढ़ते हैं। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। अमृत वेले का समय ऑफिशियल नहीं है, बाप भोले भंडारी के रूप में है। इस प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, हर प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, सब बातों के लिए बाप फ्री है। कितनी प्यारी बात की है बाबा ने, कि हर प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, सब बातों के लिए बाप फ्री है। थैंक यू बाबा, आपने हम बच्चों को इनवाइट किया है ना कि मेरे पास आ जाओ, और मैं आपके सब पाप बख्श दूंगा, आपकी सब कमजोरियां मिटा दूंगा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए तो फ्री हूँ ना। थैंक यू पापा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन कर सकते हैं।
पार्ट से भी, आज के पार्ट से भी, सेकंड और फर्स्ट दोनों पार्ट से। बोली मेरा दीजी। ओम शांति भाई जी, आज जो बाबा ने बोला है ना, माया से सेफ रहने के लिए सुदर्शन चक्र फिराओ, अपना स्वरूप और स्वदर्शन देखो। आज साकार मुरली में भी बाबा ने यही बोला है कि आपने 84 जन्मों के पार्ट को याद करो, मिस यही चक्र फिराओ सुदर्शन। तो हम जैसे सुदर्शन चक्र फिराते हैं ना, उसके बहुत फायदे हैं। एक तो विकर्म विनाश होते हैं, एक तो हमारा जमा का खाता बढ़ता है, हमारे 5 स्वरूप की स्मृति में हम हमारे वो गुण हम इमर्ज करते हैं, हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। इसलिए हमें हर रोज, एटलीस्ट मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि मैं हर रोज 6 महीने से लगातार 20 टाइम सुदर्शन चक्र फिराती हूँ, और इसका मुझे बहुत फायदा होता है। व्यर्थ संकल्प मेरे पूरे समाप्त हो रहे, और समर्थ संकल्प आते हैं, और जो जिस स्वरूप में हम स्थित होते हैं उसके गुण भी हम इमर्ज कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सुदर्शन चक्र तो वाले चक्करधारी राजा भी बन जाएंगे ना, शिकार मुरली में भी बाबा ने कहा ना। जी दीप्ति जी, आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। आज बाबा ने ज्योति, अखंड ज्योति का हमको राज बताया कि वो संगम युग से ही शुरू होती है। तो बाबा ने कहा कि वो अखंड ज्योति जलती रहती है, यानी कि हमारी स्मृति में निरंतर ये याद रहे कि हम कौन हैं और किसके हैं। तो वो एक अखंड ज्योति जैसे कि जगी है हमारी। तो बाबा ने कहा वो अखंड ज्योति जब बुझ जाती है तो उसको अशुभ मानते हैं, और अगर वो खंडित हो जाती है ज्योति, तो बाबा ने कहा फिर आप पूज्य लायक नहीं बनते। तो हमारी भी अगर ज्योति जब खंडित हो जाती है, यानी हमारी स्मृति चली जाती है, तो फिर हमारे को माया अटैक करती है, और जितनी बार हम माया से फेल होते हैं, हार खाते हैं, उतना हमारा वहां पे पद कम हो जाता है, तो हम फिर पूज्य लायक नहीं बनते। ओम शांति। जी, हमें अखंड ज्योति बनना है, जो अखंड बने, जो कभी खंडित ना हो। ओम शांति भाई जी। बोली की जी। हाँ बाबा बोला जी, मनसा सेवा का सौ साधन है अटूट निश्चय, जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहती है, उन निश्चय बुद्धि द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है, वह मनसा सेवा करते हैं, क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्मा को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है, चाहे कितना भी घुमंडी हो, गान को न भी सुनते हो, लेकिन अंदर में ये समझते जरूर आए कि इसका जीवन कुछ बना। तो जो शुरू से अचल निश्चय बुद्धि रहे है, उनकी यह सेवा चलती रहती है, यह भी मनुष्य सेवा। ओम शांति। जी, उनकी ये सेवा स्वतः ही होती है। उनको लगता है इसको, इनको कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वो ज्ञान नहीं भी सुनते हो। बहुत अच्छा जी। तारी जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने बोला है कि माया, माया हमें बहुत तंग करती है, तो इसके लिए जब हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कि हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं, कि हमें तीनों कालों का हम अपना स्वदर्शन चक्र घुमाते रहे, तो इससे हमें माया वार नहीं कर सकेगी। और बाबा ने कहा है कि जो मुश्किल शब्द है इसको निकाल देना चाहिए। जब मुश्किल शब्द हम निकाल देंगे तो हम दुनिया को, मुश्किल को हम दूर कर सकेंगे, और दिल शिकस्त के बदले हम दिल हमें दिल खुश रहने वाला बनना है। ओम शांति। जी, सुदर्शन चक्कर जो घुमाएंगे तो माया का गला कट जाएगा। और मुश्किल आती तो ये मत कहो मुश्किल बड़ी है, मुश्किल से कहो मेरा बाबा बड़ा है। मुश्किल बड़ी नहीं है, मेरा बाबा बड़ा है। एक बार समस्या विकट है, समस्या विकट नहीं है, मेरा बाबा निकट है। कैलाश भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सवेरे का जो समय है वो गोल्डन समय है, तो उस समय माया अपनी बाजी भी चलाती है, बच्चों को बाबा के पास पहुंचने नहीं देती। तो माया की बाजी को पास करके बाबा के पास आके बैठेंगे तो गोल्डन एज स्थिति बनेगी, और गोल्डन एज स्थिति से गोल्डन दुनिया में भी आपको
श्रेष्ठ पद मिल जाएगा। ओम शांति। जी, गोल्डन ईयर में श्रेष्ठ पद मिलेगा। बहुत अच्छा भाई जी, और सुबह का टाइम भी गोल्डन होता है। आपने जी कहा जंप करके बाबा की गोद में, बाबा के पास आकर बैठ जाओ। जी ओम जी शांति जी भाई। जी बोलिए। हाँ, अभी आज बाबा ने बोला कि अमृत वेले के लिए बार बार बाबा ने रिवाइज कराया, आ जाओ बैठ जाओ, जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ, खुदा दोस्त के रूप में अपना तख्त ऑफर कर रहे हैं, उठो और तख्त पर बैठ जाओ और गोल्डन स्थिति बना सकते हो, श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब बाबा ने अमृत वेला के लिए बहुत सहज विधियां बताई हैं। ओम ये मतलब शांति। बच्चा बना लो, माया से भी बच जाओगे। बाबा को बच्चा भी बना लो तो बच जाओगे। बाबा ने शिकार में भी कहा ना, बाप और बच्चा कौन कौन बनाए, हैंड रेस करवाए बाबा ने, हाथ खड़े करो। बाबा कहते सूर्यवंश के लिए तो हाथ बहुत खड़े कर लेते हैं, अब नहीं कर रहे। बाबा क्या बच्चों से पूछे थे क्यों नहीं हाथ खड़े कर रहे। राजेंद्र भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ का समय सहज है, मार्ग भी सहज, साधन भी सहज, फिर ये सहज को छोड़कर मुश्किल में क्यों चले जाते हो, बाबा पूछ रहे। बाबा कहते हैं अभी तो तुमको सहज पुरुषार्थी बनना है या मुश्किल, ये आप ही सोचो। जब माप मिल गया, सहज मिल गया, तो मार्ग मुश्किल कैसे। इसलिए बाबा बार बार कहते कि बच्चे सहज पुरुषार्थी बनो और मुश्किलात का नाम निशान खत्म करो, तो दुनिया का भी मुश्किलातों को खत्म कर सकेंगे। फिर बाबा ने दूसरा बताया, माया से सेफ रहने का साधन है अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग रहे, सदा सदा सुजाग रहे। ओम शांति। जी, टेंशन रूपी ओम चौकीदार जाग, हम क्या कर सकते हैं। शांति। क्वेश्चन मार्क में क्या क्यों में चले जाते हैं, टेढ़े रास्ते चले उलझ जाते हैं, फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं, फिर बाबा बाबा पुकारते हैं। बोली ओम गौरी जी। शांति। हाँ जी, 1 मिनट भाई जी। इसमें चैट बॉक्स में एक प्रश्न पूछा है एक सिस्टर ने कि स्वदर्शन चक्र और 5 रूप के अभ्यास में क्या अंतर है, तो इसके बारे में कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। स्वदर्शन चक्र और 5 रूप का अभ्यास। ये आपने बताना, आप बता सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने तो बताया था ना, और किसी को मेरे से और किसी का चिंतन भी चलेगा तो अच्छा है। जी, सभी को लगभग मालूम रहता है, तो इसको हम सैटरडे भी ले सकते हैं। मुरली का जो मेन पॉइंट्स है वो कोई नहीं बोल रहे। अधिकार कैसे लेंगे? पापा ने संडे की मुरली में भी बोला था ना, मन मुझे दे दो, मुश्किल क्यों लग रही, ये बात तो कोई बता नहीं। और अधिकार से बैठना और थोड़ी देर बैठना, इसमें फर्क है ना। अमृत वेले उठो, अधिकार से बैठो, दोस्त की तरफ, ये तो सब बता रहे, लेकिन एक बार दिया हुआ मन फिर क्यों ले रहे हो, है ना। ये था ना संडे की मुरली में, किसको याद है, अमानत में खयानत करेंगे अगर बाबा से फिर से मन लेते हैं, व्यर्थ चलता है के रचना से। बहुत ही इसमें भी गहराई में जाकर इसको भी खोल के इस पर मनन चिंतन कर सकते। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने जैसे आज सुदर्शन चक्र के लिए कहा है, तो अभी कुछ दिन पहले ही साकार मुरली में आया था कि हमारा संपूर्ण स्वरूप विष्णु को सुदर्शन चक्र में के साथ दिखाते हैं, तो वो जो अलंकार है वो विष्णु के साथ दिखाते हैं, तो जो सुदर्शन चक्र घुमाते हैं वही वही आत्माएं सत्युग में आती हैं। तो जो त्रेता युग के यादगार चित्र है उसमें सुदर्शन चक्र नहीं दिखाते हैं, और इसकी निरंतरता आवश्यक है। रुकना, कभी चलाना कभी नहीं चलाना, अर्थात माया के वश में आना। और जो सिस्टर ने चैट बॉक्स में पूछा है कि 500 रूपों का अभ्यास और सुदर्शन चक्र में क्या अंतर है, अंतर कुछ नहीं है। सुदर्शन चक्र फिराने में 5 स्वरूप का अभ्यास भी आता है, मगर सिर्फ 5 स्वरूपों का अभ्यास नहीं, उसके अलावा जैसे बाबा ने आज कहा है, अटेंशन, अटेंशन का पहरेदार, तो सदा आत्मा कॉन्शियस रहे उसके लिए अटेंशन रहना,
अपने स्थिति का दर्शन करते रहना, अपना कौन से स्वरूप में है, कौन सी स्मृति में है, सदा उसका दर्शन करते रहना। अर्थात अंतर्मुखी रहने वाली आत्मा ही स्व का दर्शन कर सकती है। एक तो स्व हो गया, दूसरा है सुंदर दर्शन। तो हम सभी आत्माएं हीरो पाटधारी आत्माएं हैं, हमारे पांच स्वरूप जो है उसका सुंदर दर्शन में रहना, जिस उसको भी स्वदर्शन चक्र कहते हैं। तो पांच स्वरूपों का अभ्यास इज अ पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र, वैसे भी फिर आते हैं। ओम शांति। दीदी, विष्णु दीदी क्या अर्थ बताया, इसमें विष का अणु भी ना हो तभी सुदर्शन चक्र दिखाते, इसमें विष का अणु भी ना हो, विष्णु यानी विष का अंश भी ना हो तभी वो सुदर्शन चक्र, सारे अपने विष विषय विकार सुदर्शन चक्र से उनका गला काट देते हैं। अच्छा, उन्होंने फर्क पूछा था क्या? अभी मैंने देखा, रचना सिस्टर ने उसको क्लियर किया। जी हमने भी चैट बॉक्स में देखा, बैक थे पीछे थे, हम भी पार्टिसिपेट में थे तभी देखा था चैट बॉक्स में बॉक्स मैसेज। जी, मेरा एक, क्या हम अपने को साकारी, आकारी, निराकारी स्वरूप जो हम करते रहते हैं, क्या वो सुदर्शन चक्र हो सकता है? ओम शांति। ओम शांति। जी जी वो ही है, वो भी स्वदर्शन चक्र ही है, और बाबा के जो पांच स्वरूप है वो भी स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन चक्र फिराना मीन्स आत्मा खुद क्या है, जो निराकार है, बिंदु है, उसको देखती है, फिर साकार में आकर अपने देवी स्वरूप और पूज्य स्वरूप को देखती है, फिर आकार में और ब्राह्मण स्वरूप को, फिर आकार में फरिश्ता स्वरूप को, और निराकारी खुद को देखती है। तो ये सब इंटरमिंगल है, सभी बातों का मूल सार एक ही है, आप अलग अलग शब्दों में रखो या कौन से भी स्वरूप में रखो, लेकिन है एक ही आत्मा। निराकार जो है वो साकार में तीन स्वरूप लेती है, देवता, पूज्य और ब्राह्मण, आकार में फरिश्ता बनती है, और फिर लास्ट में अपने ओरिजिनल निराकारी स्वरूप में घर में जाती है। तो ये बाबा जो स्वदर्शन चक्र बोलते हैं, आप अलग अलग उसको नाम दे दो या अलग स्वरूप ले लो या उसके रूप अलग अलग कर लो, सब बातों का सार एक ही है कि अपने को देखना है और पांच स्वरूपों को 1 सेकंड में फिराना है, या तो 5 सेकंड भी लगा लो लेकिन उसकी स्थिति को अनुभव करना है। तो उसका ये सार यही है कि हम कोई भी स्थिति को ले, वो स्थिति को अनुभव करे, देवता तो देवता को अनुभव करे, ऐसे ही पांचों स्वरूपों को, पांचों स्थिति को अनुभव करना, यही है स्वदर्शन चक्र, या पांच स्वरूप, या सुंदर दर्शन, या आत्मिक दर्शन, या अंतर्मुखी दर्शन, ये सब एक ही नाम है पांचों स्वरूपों का। ओम शांति। ओम गौरी से शांति। हाँ, एक्चुअली मुझे यही पूछना था कि अगर मींस पांच स्वरूपों का अभ्यास करना, मींस क्या करना, जैसे मैकेनिकली हो जाता है कि ये मैं देवता स्वरूप हूँ या फिर मैं निराकारी हूँ वगैरह, लेकिन उसमें अनुभव करना मींस कैसे अनुभव कर सकते हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे? वैसे अपना ओरिजिनल स्वरूप है ना, बिंदु स्वरूप, यही अपना अनुभव, यही अनुभव करना है। ये तो ड्रामा के रोल्स है, देवता हाँ बने, यही अपना रिपीटेडली करेंगे तो बोर होता है मन, लेकिन अपने सत्य स्वरूप जो ओरिजिनल है ना, बीज रूप, उसमें ही ज्यादा इंटरेस्ट से करना है। इसमें भी मजा आता है कि हम सतयुग में जा रहे हैं श्री कृष्ण के साथ, बाद में वो सॉरी प्रैक्टिस ना, रिपीटेड किसी का सुन के शुरुआत में मजा आता है, लेकिन रिपीटेड फिर उसको मन को कुछ तो भी रियलिटी चाहिए रहती है ना, हमको रियली पता नहीं हमारा क्या रोल रहेगा उधर, है ना, क्या तो रहेगा हम, तो ना इसको ये हम रोल जो की तरह ही ले सकते हैं। शुरुआत में इसमें हम व्यर्थ में ना जाए, इसके ऊपर कमेंट्रीज भी बहुत सारी है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एक बीज रूप स्टेज आएगा है ना, तो ये हाँ सब चला जाएगा। देखो बाबा के साथ है, लेकिन
सतयुग में भी हम आत्मा ही है, लेकिन कॉस्ट्यूम्स अलग अलग हाँ है ना, अलग अलग केस में ड्रामा में आ रहे हैं हम। फिर एंड में ड्रामा एंड करके अभी हमारा क्लाइमेक्स पीरियड चल रहा है ना, अब फिर से हम बाबा के साथ ही है और उसी स्वरूप में जास्ती रमन करते जाते हैं, तो ये हमारा है। जब भी स्वदर्शन चक्र फिराना है ऐसे सोचती हूँ तो सिर्फ यही कि मैं बिंदु स्वरूप हूँ मैं, फिर हाँ, लेकिन मन को ऐसे बहुत जबरदस्ती से बिंदु रूप में नहीं लेके जाने, धीरे धीरे। देखो ड्रिल्स भी बाबा ने कराई, अभी अभी नीरा करी, अभी अभी सा करी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप है ना, अभी दीदी अभी। हम समझ, जैसे ज्योति सितारा परम धाम में पहुंच जाओ, देव हाँ, ने ऐसे करते करते ना क्या होता है पता है क्या, एक सेकंड क्या ऊपर परम बात धाम में बाबा के साथ, फिर एकदम फरिश्ता, फिर एकदम साकारी शरीर, ऐसे है, ब्राह्मण धीरे धीरे करते करते बाद में ना ऊपर ही बैठने को मन अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर यानी वो तो हमने अभी डिस्टेंस के लिए बताया, ये सब अपने भ्रुकुटी तक पर बीज रूप जो है सब हमारे अंदर ही चल रहा है ना, हाँ फिर परम धाम भी हमें इधर ही समझ में आता है कि सब कुछ मेरे पास ही है, मेरे पास बाबा भी है और वो कभी मेरे से दूर ही नहीं है। वो डर निकल जाता है कि मैं बाबा के साथ कभी वो बाबा मेरे से दूर है वो सब नहीं, एकदम एक लाइट फील होने लगता है कि मैं और बाबा एकदम साथ में और कोई किधर भी नहीं गया है, हम साथ में ही। यही अपना पांच स्वरूप का मेन एम क्या है बाबा का, कि आप करते करते अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। ओके थैंक जी यू। बाबा, 1 सेकंड में घुमाते, ज्योतिष तारा, देव प्यारा, उज्जवल न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, उसी स्वरूप में पहुंच जाते थे एक हाँ, मिनट। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि हम कुछ सोचने नहीं लगते, जो सोचता है बाबा सोचता है ना, रविवार हाँ की मुरली में भी आया था, आज की मुरली में भी आया है, हाँ सोचने का काम भी बाबा करेगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि 2-3 दिन से होना यही जो आ रहा है होना सब। होगा ना, फिर हम बाबा के मन को यूज करते, जो इस ड्रामा में नहीं, हम ड्रामा में हमारा मन है ना इधर, तो बाबा के मीन्स जो होने वाला है वही हमसे होने होती रहेगी, वही बातें हमके हमारे मुंह से निकलेगी, बाबा हमें यूज करना चालू करेगा। ओके एक्चुअली जैसे क्या हुआ सत्युग में कल देखो मेरे जो दिमाग, होने वाला है ना उसका रिहर्सल इधर ही बाबा करे, जो होने वाला है वही होगा सब। सत्युग की शुरुआत अभी है, अभी सत्युग चालू है, 21 हाँ बर्थ में एक बर्थ किधर है, यही है। यही है, तो यहाँ से एक्चुअल अभी सत्युग चालू है, अभी हम सब बातें कर, सत्युग चालू है अभी, सत्य स्वरूप में हम सभी लाइट है, हम ये शरीर नहीं है ना, लाइट है और बाबा के साथ है, हाँ यही अपना ओरिजिनल स्वरूप, बाबा जी का इसको स्वरूप सिंपल स्वरूप में देखता और हूँ। विस्तार में नहीं लेके जाना है, क्योंकि मन बाबा को दे दिया ना तो सोचने का राइट काम भी, वो सोचने की बीमारी रहती है ना, आगे क्या करेंगे या पीछे का सोचते हम, हाँ ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, उससे भी मुक्त हो जाते नहीं, हम वैसे भी प्रेजेंट में ही। बाबा हमेशा आंसर दे देता है जो भी है। बहुत बार तो ये हुआ है कि आंसर मिल जाता है, और आपके थ्रू मुझे आज अभी कल का आंसर मिल गया। कल ही मैंने पूछा था एक्चुअली क्या यही कि स्वदर्शन चक्र कैसे, मैंने पोता मेल में लिखा था ये कि स्वदर्शन चक्र फिराना मेरा मैकेनिकल हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसे। तो हाँ, तो अभी आपने आंसर दे दिया, मीन्स आपको निमित्त बनाकर बाबा ने आंसर दे दिया, तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, और स्वदर्शन चक्र देखो वो उंगली को टच नहीं करता, देखा है आपने किसी वो चित्र में, हाँ अनटचड है ना, हाँ हाँ यानी जो मूल स्वरूप है ना आत्मिक स्वरूप, वो किसी भी बातों से प्रभावित नहीं होती, हमारा जो सत्य स्वरूप है ना बाबा हाँ के साथ ओके अभी भी हाँ किसी भी बातों से टच्ड नहीं है, प्रभावित नहीं, हम संपूर्ण है, कंप्लीट है अभी भी, हाँ और हम कंप्लीट है इससे ही शुरुआत करनी, इसलिए हम बोलते ना मैं कमजोर हूं, नहीं इससे नहीं शुरुआत करनी, बाबा क्या बोलते हैं आप शांत हो, आप प्रेम हाँ स्वरूप ओके हो, है लेकिन हम क्या बोलते हैं नहीं हूं, हम नहीं हूं हाँ से शुरुआत करते हैं, इसलिए फिर हम पीछे पड़ते, हम है इससे शुरुआत करेंगे ना तो ये पांच स्वरूप भी अपने आप हो जाएगा।
स्व का स्वदर्शन मीन्स व्हाट? स्व कौन है, हम कौन है? एक्चुअल में इसको डीपली और लेके जाएंगे ना, हम तो ओरिजिनली आत्मा ही है। ये इसका ओरिजिनल स्वदर्शन चक्र का मीनिंग में, अकॉर्डिंग टू बाबा, जो मुझे समझ में आ रहा है, स्व का स्वदर्शन। वी आर ओनली लाइट कंप्लीट, और बाबा जैसी, बाप समान, कोई अंतर नहीं बाबा में और मेरे। बस बाबा ड्रामा में नहीं आता है, मैं ड्रामा में आती हूँ। तो इस चक्री से निकालने के लिए बाबा को ही मुझे बाबा को ही इधर आना पड़ता है ड्रामा में, और बाबा इस चक्र से निकल के हमको फिर से अपने मूल स्वरूप में, अपने ही घर में अपना अनुभव कराता है कि तू ये है, वो नहीं है जो ड्रामा में है अभी दिखाई दे रहा है, वो नहीं है तू। तू तो मेरे जैसी है, मेरे जैसे शांत है, कंटिन्यूअस शांत है, कंटिन्यूअस लवेबल है, कंटिन्यूअस है ना, सब कुछ कंटिन्यू है हमारे अंदर, निरंतर बोलते हैं ना, निरंतर यही स्थिति अभी भी है बाबा के साथ। ये ड्रामा में जो आत्मा फंसी है उसमें नहीं, ये इसमें से हमें निकलना है अभी, फिर से अपने बीज में आना है, बस अपने स्मृति स्वरूप में आना है। इसलिए बाबा को याद करो, इसलिए बाबा बोलते हैं ना, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। हर एक मुरली में ही आएगा है बाबा, कभी बोर नहीं होता। हाँ आज 85 ईयर्स हो गए, लेकिन मुरली में ये लाइन तो आएगी, आप रोज देखो ये लाइन। बाबा कभी ऐसे नहीं बोलते कि बच्चों ने ये लाइन तो कल ही सुनी है, बोर होंगे, नहीं, ये लाइन रोज राइट बाबा, बाबा को बहुत प्यार है इस लाइन से। जी। अभी टाइम भी हो चलो, चुका है, बहुत पोल टाइम भी हो गया है ना, बहुत पहले विस्तार में गए। पेज पे आके पोल का आंसर दीजिए, फर्स्ट पेज पे। सॉरी, और किसी को शेयर करना है तो एक शेयर कर सकते हैं, बहुत टाइम लिया। और एक दो जन शेयर करके फिर उन लोग की तरफ जाएंगे। और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर। वो जो लाइन बताई आपने, वो एक बार रिपीट करेंगे, कौन सी लाइन? रुको, मन मुझे दिया है ना, हाँ ऊपर लीजिए, मालिक बनो, अधिकार लो, है ना, ऊपर ऊपर लीजिए, मेहनत की चाबी नहीं लगा, शेरू भाई जी ऊपर लीजिए, और ऊपर है, हमने तो शेयर हाँ। संकल्प और बुद्धि, अर्थात मन और बुद्धि, बाप के हवाले कर दो, यह करना नहीं आता है ना, मन बाबा को दे दो। देखो कितना क्लियरली आया है ना, स्क्रीन। ठीक। मन यानी क्या, जो कंटिन्यूस चलता रहता है ना, उसको रोकना नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा वो। वो नहीं आता है क्या बाबा, यही बोलते संकल्प और बुद्धि। अभी कहाँ टाइम जा रहा है हमारा ज्यादा, संकल्पों के रूप में, अर्थात मन और बुद्धि आपके हवाले कर। शुरुआत में ही है शेरू भाई जी, सेकेंड पेज पे। यही करना है, माया की बाजी को पार कर साथ में आकर के बैठ जाओ, है ना, बस माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं। कैसे बाबा ने आइडिया दिया, हम क्या करते, रुकते उस संकल्प में, वो साइड सीन फिर हमारा पार्ट हो जाता है, इसलिए उसको क्या कर, साइड सीन को ऐसे रुकना नहीं है। हम जिस भी बात को महत्व देते ना, हम यानी आत्मा है ना, जिस भी बात को लाइट देते, क्या बोलते हैं, अपनी शक्ति देते, वो ही बढ़ती जाती, मन और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। किसने पूछा था, क्लियर हुआ होगा। ठीक है शान जी, क्लियर हो गई। ओम शांत। थैंक्स। और किसी का है हैंड रेस? और एक जन किसी को शेयर करना है तो फिर होमवर्क की तरफ जाएंगे।
नीलू सिस्टर किधर गए? दीदी स्वदर्शन चक्र का योग करवाइए ना। अभी कैसे, 1 मिनट रहता है ना, सभी को जाना रहता। स्व के स्वदर्शन यानी आत्मिक स्थिति में अपने आप को देखना, उसमें ही सब कुछ आ जाएगा। हमारे आत्मा में ही चारों भी स्वरूप है, ये बाकी के चार। पांच ये हमारा ही पार्ट्स है। जैसे समझो अभी ये अभी कितने सारे हैं ना, 85 सोल्स या कुछ 100 सोल्स है। अगर कि नाटक बनाना है, किसी को कुछ ना कुछ देंगे ना, बाबा आप ये बनो आप ये बनो ऐसे। बाकी आत्मा के लेवल में सब सेम है। देखो ये नाटक में हमारे रोल्स अलग है। बाबा नंबर वार बोलते, इसके पीछे ये नहीं पकड़ना है कि मैं कम हूँ या ज्यादा हूँ, मेरी बुद्धि कम नहीं। वो नाटक में रोल के लिए, वैसे हमको प्ले के लिए रखा है। बाकी आत्मिक लेवल में सभी सेम है। तो ना सबके लिए सेम प्रेम, सेम शांति, सेम सब कुछ रेडिएट होता है। ये स्वदर्शन, इसमें चेक करना है क्या मैंने आत्मा में, आत्मिक स्वरूप में ये सब अनुभव कर रही हूँ क्या? अभी आप ना 1 मिनट में ये देखो, तो इसी को होमवर्क लेंगे, स्वदर्शन चक्र। चेरू भाई जी, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखे, मन और बुद्धि संकल्प बाबा को दे, धीरे धीरे। अभी बाबा के साथ बैठ जाओ, जैसे कि बाबा और मैं सेम। और सभी आत्माएं भी सेम है, लाइट स्वरूप। इस ड्रामा में सभी रोल के लिए आए, और उस रोल में जो भी उनका रोल चल रहा है ड्रामा में, जो पार्ट चल रहा है, वो स्क्रीन वो रोल वो नाटक आगे चल रहा है, आउट हो रहा है उसका पार्ट। सभी निर्दोष है, ये तो इनका पार्ट है। इसमें कोई झगड़ा करते, कोई लगाव में है, कोई मुक्त है, कोई दर्द में है, कोई किसी पर ईर्ष्या कर रहा है। कोई मदद कर रहा है। मैं यहां से बाबा के पास साक्षी रहकर सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन ओरिजिनली ये सभी बाबा के साथ बाप समान है। कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, यहाँ पे सभी का डीप लव है एक दूसरे के साथ, और यही हमारा सच्चा संबंध है एक दूसरे के साथ। यही हमारा आत्मिक स्वरूप है, और इसी चश्मे के थ्रू हम सभी को देख रहे हैं। सभी आत्माएं हैं। और मेरे थ्रू उनको सच्चा प्यार, सच्ची शांति अनुभव हो रही है। ओम शांति, गुड नाइट।